Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplifying UPSC with Ease with me Arpita Sharma, and today we are going to decode the interim budget for 2019 from the point of view of upcoming prelims. In short, we are going to create a crash course on interim budget. All the important highlights of the interim budget will be discussed, okay, so that you can revise in few minutes the entire important points, schemes, programs and aspect of the interim budget. So aaj hum interim budget ko prelims ke नजरिए से डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आप कुछ मिनट्स में ही पूरे इंटरिम बजट को अच्छे से समझ लें, क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़नी, कौन सी स्कीम प्रोग्राम याद रखने हैं, कौन से पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. बिफोर दैट, इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव ऑफ डिकोडिंग यूपीएससी, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद दीज by me Arpita Sharma, then you can subscribe to my channel and press the bell icon so that in the future if there are any notifications from my channel you won't be able to miss it. So first let us understand what is a budget. पहले ये समझते हैं कि budget होता क्या है. Budget क्या है? Estimate है, right? What is budget? It contains, you can write it down, it contains the estimates. Estimates of what? Estimates of government's accounts for next fiscal year. जो आने वाला अगला फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट का किस तरीके का अकाउंट रहेगा, किस तरीके के खर्चे एस्टिमेट कर रही है गवर्नमेंट, किस तरीके की इनकम या रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रही है गवर्नमेंट, उस सभी का लेखा जोखा बजट होता है, राइट? सो दैट इज नोन एज बजट. एंड बजट इट इज प्रेजेंटेड हाउ? इट इज प्रेजेंटेड by means of financial bill. कैसे present किया जाता है इसको? financial bill के through, right? It is presented by means of financial bill and the appropriation bill, right? These are the two important bills, financial bills and appropriation bill. Consolidated fund of India में से कुछ निकालना है तो appropriation bill, right? financial bill. इस तरीके से ये budget जो है present किया जाता है. ये याद रखना कि जो appropriation bill है ये बहुत important है. You have to remember it. Constitution says that no money can be withdrawn by the government from consolidated fund of India except under appropriation made by law. Okay? So basically the budget is presented by means of financial bill and appropriation bill. It has to be passed by Lok Sabha, not Rajya Sabha, Lok Sabha. Underline this, okay, before it can come into effect. So this is budget. Now second thing is, you must have heard it, vote on account. अब सेकेंड थिंग जो न्यूज में थी वो थी वोट ऑन अकाउंट. ये क्या है? वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट नहीं होता. वोट ऑन अकाउंट इज नॉट सिमिलर टू इंटरिम बजट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरिम बजट. सो राइट इट डाउन, नॉट, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, नॉट सिमिलर टू इंटरिम बजट. ये पॉइंट प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इंटरिम बजट अलग चीज है और वोट ऑन अकाउंट अलग चीज है. जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसे कोई खर्चे करने हैं अगर, तो वो वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से करेगी, राइट? सो एन आउटगोइंग गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ओनली एन इंटरिम बजट, राइट? जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, जो जाने वाली है, आउटगोइंग गवर्नमेंट, इट प्रेजेंट्स ओनली एंड इंटरिम बजट. नाउ अभी भाजपा की सरकार है, राइट? अब उन्होंने इंटरिम बजट पास किया. क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले थे. अब नई गवर्नमेंट कौन सी आएगी, क्या आएगी, पता नहीं. तो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले तो पक्का नहीं है ना कौन किसकी नई गवर्नमेंट बनेगी. तो अब क्योंकि बजट पास करना था तो फुल बजट पास नहीं किया गया, इंटरिम बजट पास किया गया. अब जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो उस हिसाब से अपना फुल बजट, इंटरिम बजट को हटाकर फुल बजट पास करेगी. सो एन आउटगोइंग गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ओनली एन इंटरिम बजट और इट सीक्स और इट आस्क्स अ वोट ऑन अकाउंट. इट लीव्स इट टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द बजट. नेक्स्ट गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर छोड़ दी जाती है जिम्मेदारी कि आप जब आप आओगे तब बजट को पास करना. सो वोट ऑन अकाउंट इज द ग्रांट मेड इन एडवांस. वॉट इज इट? इट इज द, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट खर्चे कैसे चलाएगी? वोट ऑन अकाउंट के थ्रू. सो इट इज द ग्रांट मेड इन एडवांस by whom? By none other than the parliament. So the existing government, before the new government comes into place, the existing government will have to carry out the expenditure, the working
through the vote on account, right? So it is the grant made in advance by Parliament in respect of the estimated expenditure for part of new financial year. So this is budget and vote on account. Now this is a very important point. हमारा संविधान बोलता है कि कोई भी पैसा आप withdraw नहीं कर सकते consolidated fund of India से except under appropriation made by law. जब तक appropriation, अगर appropriation law के द्वारा right अगर बनाया गया है right pass किया गया है तब जाकर आप CFIN की consolidated fund of India से पैसे withdraw कर सकते हो. But what has to be done for appropriation to be made by law? अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? For that it's very important. For that the appropriation bill has to be passed and it has to be passed during the budget session. Budget ka jo process hoga us process ke through hi appropriation bill pass karna padega, tabhi jaakar aap CFI government consolidated fund of India mein se paise nikal sakti hai. Okay. Now there are two important articles which you have to study. One is article 266. Pehla aa jata hai article 266. This article mandates or says that the parliamentary approval or permission is required. Required means it is mandatory, it is compulsory. For what? To draw money from consolidated fund of India. अगर consolidated fund of India में से पैसे निकालने हैं तो parliament की approval जरूरी है. ये लिखा हुआ है article 226 में, right? Sorry, 266 में, not 226, 266 में ये बात लिखी हुई है, right? Now there is another article, दूसरा article भी है. दूसरा article है article 114, subsection 3, right? Article 114, subsection 3. It says that no amount of money can be withdrawn or taken out from the consolidated fund of India without the enactment or passing of a law. And this law is appropriation bill. राइट ये लॉ क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल है. तो आर्टिकल 114 सबसेक्शन 3 का कहना ये है कि आप सीएफआई से कोई पैसा नहीं निकाल सकते जब तक आपने अप्रोप्रिएशन बिल को पास नहीं करवाया है बजट प्रोसेस के थ्रू. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फुल बजट एंड वोट ऑन अकाउंट. फुल बजट इट डील्स विद बोथ एक्सपेंडिचर एंड revenue or income side of government's budget, right? Government ki budget ke expenditure or income dono hi side se deal karta hai full budget. Vote on account deals with only expenditure. Vote on account to sirf expenditure se hi deal karta hai. Second, full budget it is valid for financial year. Ek financial year tak valid hai, yani ki 12 months tak valid hai, right? But the vote on account it is valid for 2 months. Vote on account to sirf 2 mahine tak hi valid hai. Third, passing of budget happens only after discussion and voting, right? Discussion hoti hai isme, voting hoti hai, uske baad hi full budget pass hota hai. But vote on account it is treated as a formal matter. Ye to ek matter hai. Government ko apne kharche nikalne hai, jab tak nayi government nahi aa jati to 2 mahine tak ye vote on account ke zariye wo paise apne kharche nikal sakte hain. So it is passed by Lok Sabha without any discussion. Discussion isme nahi hota, Lok Sabha isko pass karti hai. Okay, so interim budget is not same as vote on account. Remember this also. Now when we talk about interim budget 2019, it's an exercise which aimed at pleasing the farmers, informal workers, salaried taxpayers. So interim budget focused on 3 major segments of population. Puri population ke 3 major segments pe focus kiya hai hamare interim budget 2019 ke interim budget ne. Okay, the first segment is of the farmers. Pehla segment of population hai farmers. Various income support schemes have been, you know, formulated for the farmers. Then comes the second segment, which is known as the informal sector workers.
ये हमारा सेकंड सेगमेंट पॉपुलेशन का जिस पे इंटरिम बजट ने फोकस किया है. एंड द थर्ड वन इज सैलरीड टैक्स पेयर्स, राइट. अब इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए तो इंश्योरेंस स्कीम्स निकाली है, सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस निकाले हैं, राइट. सो देयर आर टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन देयर हैव बीन इंश्योरेंस स्कीम्स इन द इंटरिम बजट. एंड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन देयर इज द अनाउंसमेंट ऑफ इनकम सपोर्ट स्कीम इन द इंटरिम बजट. Now the first scheme is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. It is to provide an assured income support to the small and marginal farmers. So basically here the vulnerable, jitne bhi small marginal farmers hai na, vulnerable landholding farmers hai. So the vulnerable landholding farmers families which have the cultivable लैंड अप टू 2 hectares, 2 hectares तक की कल्टिवेबल लैंड है जिनके पास, दे विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट. इनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगी, दे विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एट द रेट ऑफ ₹6,000 पर ईयर. पर ईयर 6,000 रुपीज की डायरेक्ट इनकम सपोर्ट उन वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर की फैमिलीज को मिलेगी जिनके पास जोतने लायक जो लैंड है, जमीन है, कल्टीवेबल जो लैंड है वो 2 hectares तक की है, राइट. दिस इनकम सपोर्ट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई मिडलमैन नहीं होगा बीच में जो कमीशन खा ले. और 3 installments में ये पैसा जाएगा, 2,000 ऑफ ईच, ओके. 2,000 की 3 installments बनेगी जिसमें ये पैसा उनके अकाउंट में जाएगा. Now the next comes Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, and this is for the informal sector workers, right. So the launch of Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan scheme, it is, why it has been launched? To provide the unorganized workers, not the organized, the unorganized workers, an assured, not yearly but monthly pension of how much rupees? Of ₹3,000 after 60 years of age. 60 साल के बाद जितने भी unorganized workers हैं उनको एक assured sum मिलेगा monthly pension के रूप में, कितने रुपए का? 3,000 रुपए का, ठीक है. और द स्कीम विल अट्रैक्ट मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹100 पर मंथ. इसके लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको ₹100 पर मंथ जो हैं वो जमा करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, राइट. द स्कीम विल अट्रैक्ट मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹100 पर मंथ फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द वर्कर्स, राइट. तो वर्कर्स की तरफ से 100 पर मंथ भी देने पड़ेंगे, राइट. द स्कीम विल बेनिफिट 10 crore वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड द स्कीम विल कवर ऑल दोज अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स लाइक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुज इनकम इज अप टू ₹15,000 पर मंथ. वो सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनकी इनकम 15,000 पर मंथ तक की है उनको इस स्कीम में कवर किया जाएगा. दीज पीपल, दीज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लाइक द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हुज मंथली इनकम इज ₹15,000, दोज विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम. Now comes the salaried class people. Tax exemptions for salaried taxpayers. जितने भी taxpayers ऐसे हैं जो salary पे काम करते हैं, salaried taxpayers हैं, उनके लिए भी कुछ tax exemptions हैं. जैसे कि उनकी tax में से जो standard deduction होता है, पहले 40,000 का होता था income में से, उसके बाद tax pay करते थे, अब उसको बढ़ा दिया है 50,000 का standard deduction होगा. अब ये लगेगा तो बड़ा छोटा सा amount, ये transition तो बड़ा ही छोटा लगेगा कि 40,000, 10,000 ही तो बढ़ा है, उसमें क्या दिक्कत है, बट ये कुछ 3 crore टैक्स पेयर्स को हेल्प करने वाला है, राइट. द सेकंड पॉइंट इज दैट द इनकम टैक्स रिबेट ऑन दोज विद द टैक्सेबल एनुअल इनकम ऑफ अप टू ₹5 lakh a year will benefit
3 crore middle class voters, that includes traders, small business and those who have just joined the formal workforce and pensioner. इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनकी इनकम 5 लाख तक की है सालाना, राइट, उनको फुल टैक्स रिबेट मिलेगा. जितना भी टैक्स पे किया है उसका रिबेट, वो वापसी मिलेगा, राइट. सो इट मींस इंडिविजुअल्स विद इनकम अप टू 5 लाख विल गेट फुल टैक्स रिबेट. ओके, सो दिस इज द टैक्सेशन रिलेटेड यू नो स्कीम्स एंड द अमेंडमेंट्स इन द बजट. क्लियर, इंटरिम बजट का इतनी बात समझ आ गई. Now comes राष्ट्रीय कामधेनु आयोग. कामधेनु is the name of a cow. Okay, so it is related to your agriculture. अब ये जो आपका टॉपिक है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इंटरिम बजट के अंदर, ठीक है. सो नाउ दिस पर्टिकुलर आयोग, दिस पर्टिकुलर कमिटी, इट विल लुक आफ्टर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर काउज. जो गायें होती हैं उनके वेलफेयर के लिए जो इफेक्टिव लॉज हैं उनको, उन पे नजर रखेगा, उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा ये आयोग. इट एम्स टू इनहेंस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द काउज. ओके, बेसिकली इट विल इंक्रीज दी और इट विल अपग्रेड दी काउ रिसोर्सेज, ठीक है. नाउ देर इज ऑल्सो वन लिटिल अनाउंसमेंट. दैट अनाउंसमेंट इज दैट द किसान क्रेडिट कार्ड्स, the Kisan credit cards which were announced in 2018, also this facility, it will be extended or it will also be given to the dairy farmers. Jitne bhi dairy farmers hai na, unko bhi ab ye facility milegi Kisan credit card ki. Now there is a national program on the artificial intelligence which has been envisaged or envisioned by the government of India. This would be catalyzed by the establishment of the National Center on Artificial Intelligence. तो एक प्रोग्राम, एक विजन गवर्नमेंट ने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक नेशनल प्रोग्राम तैयार करने का. जिसको कब तैयार किया जा सकता है, जब नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नाम की बॉडी को, एक यू नो अथॉरिटी को जब स्टैब्लिश कर दिया जाएगा, राइट. Now comes the Rashtriya Gokul Mission. It was in news. Why? Because in the interim budget, the Finance Minister Piyush Goyal announced allotment of rupees 750 crore to the Rashtriya Gokul Mission. अब इंटरिम बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंसमेंट की थी कि हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 750 करोड़ देंगे. ऑब्जेक्टिव वॉज टू गेट द नेटिव ब्रीड्स of cows and bulls to produce more milk, be more fecund and to raise quality of Indian cows and bulls, okay, as compared to the foreign cows and bulls. Now the Rashtriya Gokul Mission, it is to develop and to conserve, to protect the indigenous, the Indian based bovine breeds. The government has launched this mission under the National Program for Bovine Breeding and Dairy Development. ओके, एनपीबीबीडी के तहत इस प्रोग्राम को, इस मिशन को लॉन्च किया गया है एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू इसको लागू किया जाएगा एंड अंडर दिस मिशन इंटीग्रेटेड कैटल सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड विच विल बी नोन एज गोकुल ग्राम्स. इंटीग्रेटेड कैटल सेंटर्स जो होंगे वो कैटल ब्रीड्स को जो है अलग अलग डिफरेंट इंडिजिनियस ब्रीड्स को कंजर्व करेंगे, डेवलप करेंगे और मिल्किंग एनिमल्स जो है जो दूध दे सकते हैं और जो अनप्रोडक्टिव है, जो दूध नहीं दे सकते, उन एनिमल्स को 60:40 के रेशियो में यहाँ पर कंजर्व करके रखा जाएगा. So this was all about the important points which you have to study in the interim budget of 2019.